तो दैट पर्टिकुलर थिंग और फिनोमिनन कैन बी टर्म्ड एज इनर्शिया जिसमें आप स्टैटस को में बैठे हुए हैं किसी भी एक सिचुएशन में हैं और आप उस स्टैटस को को मेंटेन करते हैं आप उस स्टैटस को को बदलना नहीं चाहते फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ सर्टन स्टॉक या एक सर्टन सेक्टर के से फॉर फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पिछले कई सालों से तो आप उसके अंदर ही रहते हैं ख्वा बेशक आपको डिफरेंट सेक्टर से ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल सक रहे हों अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी इंक्लूड कर लें लेकिन चूंकि आप फार फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं या फर्टिलाइजर्स में ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं इसलिए आप इनर्शिया की स्टेट में रह रहते हुए ए रैशनल डिसीशन मेकिंग करें और आप रैशनली डिसीशन नहीं ले रहे और उससे हो सकता है कि आपको नुकसान हो रहा हो कि आप ज़्यादा पैसे जेनरेट कर सक रहे हैं लेकिन इनर्शिया की वजह से आप उसी कंटिन्यूसली वही वाले स्टेट ऑफ माइंड में या स्टेटस को में बैठे हुए हैं नाउ देर आर सर्टन रिसर्च स्टडीज़ जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि समटाइम्स इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन देर आर सर्टन बिहेवियरल नजेज दैट कैन बी गिवन टू पीपल जिनकी वजह से आप अपने उस स्टेटस को को ब्रेक कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो अप्रो अगर अगर इट इज़ बेटर फॉर द पीपल टू कंटिन्यू विद द सेम स्टैटस को और इफ़ देर इज़ सम ऑफ चेंजेस दैट आर नीडेड तो फिर उस डिफरेंट uh, तरह की नजे के थ्रू स्टिमुलस uh, के थ्रू कुछ ऐसी कोई एक्शंस करने के थ्रू जिनको हम नज बोल रहे हैं जिस वो नज वो एक इशारा uh, या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है स्टिमुलस देना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्च ना हो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं आपने इन की हुई लेकिन आ, आ, आप जो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल आप उनके बिहेवियर को बदल सक सक रहे हैं उस पर्टिकुलर नाच के थ्रू तो आप नजिस के थ्रू जो स्टेटस को है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं आ, जो इनर्शिया है डिसशन का उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लाइक आदर यू कैन हेल्प द पीपल टू कंटिन्यू विद द सेम स्टेटस को और यू कैन टेल दैम टू गो अगेंस्ट इट और चेंज इट ताकि एनर्शिया जो मेनटेन कर रहा है किसी भी स्टेटस को को वो ब्रेक किया जा सके क्योंकि इससे आप रैशनल डिसीशन मेकिंग की तरफ स्विच कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजी में एनर्शिया इज समाइम्स ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन दैट देर इज समर्ट ऑफ प्रसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द एटीच्यूड्स एंड रिलेशनशिप्स के पीपल जो हैं वो अपने एक सर्टन एटीच्यूड के साथ प्रसिस्ट करते हैं या जो भी उन्होंने रिलेशनशिप बनाए हुए होते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के साथ या किसी भी इन्वेस्टमेंट के टू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या ह्यूमन बींगस के साथ वो उसके साथ प्रसिस्ट करने में आसानी समझते हैं दिस कैन ऑल्सो भी एक्सप्लेन दिस कैन ऑल्सो भी यूज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया बट अनरशिया की वजह से आपकी जो डिसीशन uh, मेकिंग है वो रैशनल नहीं होती वो बाइस्ड हो जाती है एंड दैट दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट बिहेवियरल कॉन्ट्रीब्यूटेव व्हेन वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसशंस